जी कहाँ तक हुआ था? एसिडिक स्ट्रेंथ। लास्ट क्वेश्चन क्या था? समझे? देखो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, आ जाओ लिखे एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब देखना ऑर्डर याद कर लिए क्या? वो जो एसिडिक ऑर्डर दिए थे याद करने के लिए कर लिए ना, उसके बिना फिर नहीं होगा। समझ में आया? एसिडिक स्ट्रेंथ वो याद होना चाहिए। अब देखो जरा सा हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है? कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, ये तुम दसवीं में पढ़ करके आए हो। ठीक है, क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, सही भी है। लेकिन बात ध्यान में रखना कि अब जो तुमको समझ में आएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि क्या बताने वाले, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालना कि जब भी कोई एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड एंड बेस ही बनेगा। समझ में आया? यदि कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो एसिड एंड बेस ही बनता है। यदि कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो एसिड था उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस, पहले सुन लो। ठीक है, और जो बेस था वो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। बोलो बात समझ में आया? ठीक, बताते हैं और इसके बारे में और क्लियरिफाई करते हैं तुमको। दूसरी बात कि एसिड जो रहता है वो H+ देता है, पढ़े हो ना, एसिड क्या करता है? H+ देता है। ठीक है, जो H+ देता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड। और बेस किसको कहते हैं? OH- जो देता है। लेकिन हम लोग क्या याद रखेंगे कि जो H+ देता है वो एसिड और जो H+ लेता है वो बेस। अंडरस्टूड? क्या बोले हम? जो H+ देता है वो एसिड और जो H+ लेता है वो बेस। अब समझना जरा सा, हम क्या बोले थे कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है? एसिड और बेस। तो जो एसिड था उसने क्या किया? अपना H+ दिया, तो H+ देने के बाद क्या वो अब कैपेबल हो गया H+ लेने के लिए? सोचो जरा सा, मेरे पास H+ था, हम H+ दे दिए, तो H+ देने के बाद अब तो मेरे पास H+ नहीं है, तो क्या अब हम H+ ले सकते हैं ना? समझ में आया? तो जब एसिड था तब वो H+ दे सकता था, H+ दे दिया तो वो बन गया कॉन्जुगेट बेस, यानी अब वो H+ एक्सेप्टर हो गया। और जो H+ लेता था और उसको हम लोग क्या बोलते थे? बेस। जो H+ ले रहा वो बेस, तो H+ लेने के बाद क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि अब वो H+ दे सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या बोल रहे हम? अब देखो, मान लेते हैं कि कोई तुम्हारा एसिड है, ठीक है, क्या हम लिख रहे हैं? R, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं NaNH2। ये क्या है? बेस है ना, कल ही पढ़े थे हम, पढ़े थे ना कल ही, बेस है। अब इसका ये हम डबल हेडेड एरो दे रहे हैं, और डबल हेडेड एरो का क्या मतलब होता है? रिवर्सेबल। वो रिएक्शन क्या है? रिवर्सेबल, यानी कि बैकवर्ड में भी जा सकता है और किस में जा सकता है? फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड में भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यदि कोई रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड में जा रहा है तो हम उसको कह सकते हैं रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि वो किधर की ओर जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और यदि ये लिखा रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब वो फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बैकवर्ड में आएगा। समझ लो क्या लैंग्वेज हम बोल रहे हैं। कहीं पे यदि है कि कोई भी रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अंडरस्टूड? इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यदि लिखा रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मंजे का है कि वो किधर की ओर आएगा? बैकवर्ड। और यदि कहीं लिखता है कि स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब बैकवर्ड आएगा। लेकिन लिखा रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब बैकवर्ड नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड जाएगा। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक, अब देखो जरा सा, ये क्या हो गया तुम्हारा? बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जा सकता है। इज दैट क्लियर? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ? ये है तुम्हारा बेस और ये क्या है? तुम्हारा एसिड। ये क्या है? तुम्हारा एसिड। ये क्या है? तुम्हारा बेस। इज दैट क्लियर?
बेस क्या करेगा H प्लस लेगा और एसिड क्या करेगा H प्लस देगा, तो H प्लस देगा कौन, यही ना, तो H प्लस दिया इसको, तो ये क्या बन जाएगा फिर R C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे क्या आएगा नेगेटिव, और यहां से क्या बाहर निकलेगा Na प्लस, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साथ में मिलकर के बनाएगा आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये, और साथ ही साथ तुम्हारा क्या बन जाएगा NH3। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा सा, तो ये वाला एसिड था तो ये यहां से जो बना वो क्या बना तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, समझ में आया, और ये जो बेस था उसका ये क्या बना कॉन्जुगेट एसिड, समझ में आया, क्लियर है क्या बोल रहे हैं हम। अब देखो जरा सा हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी एसिड बेस का रिएक्शन कब होगा, ठीक है, कोई भी एसिड बेस का रिएक्शन जो है वो कब होगा इस चीज को समझो, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या ये रिएक्शन क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इज दैट क्लियर। कब कहेंगे, जब अपने को ये पता चले कि, ठीक है, तब हम मतलब कि उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये अपने को समझ में आना चाहिए कि वो रिएक्शन जो है एसिड बेस का वो स्पॉन्टेनियस जा रहा है, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन है, इज दैट क्लियर। वो हम तब समझ सकेंगे जब हमको पता चलेगा कि वो एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे हो रहा है और हो भी रहा है कि नहीं और होगा भी या नहीं होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी एसिड और बेस का रिएक्शन होने के लिए दो चीज को समझना, एसिड को पकड़ो, ये क्या था, यहाँ एक एसिड है और ये कहाँ है, दूसरा एक एसिड है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा जब प्रोडक्ट का एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट के एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ रिएक्टेंट वाले एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ से कम रहेगा, बात समझे। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जैसे NH3 है और क्या बना यहां अल्काइन, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका ज्यादा है, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड का, तो ये इधर से इधर जाएगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यदि इधर वाले एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहता तो वो स्पॉन्टेनियस इन क्या हो जाता, बैकवर्ड डायरेक्शन, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये चीज बात ध्यान में रखना, तो यहां हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन क्या है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस इन, बोलो स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इज दैट क्लियर, समझ में आया हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, यदि कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से तुम्हारा प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, समझ में आया, कह सकते हैं ना। और यदि कोई रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है तो क्या कह सकते हैं, बोलो स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इज दैट क्लियर, समझ में आया। उसके बाद लिखना फॉर फॉर एसिड बेस रिएक्शन ठीक है, फॉर एसिड बेस रिएक्शन, ये हो गया इतना दूर, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस इन क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो लिखना फॉर एसिड बेस रिएक्शन, फॉर एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट एसिड, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट एसिड इज ग्रेटर देन द, इज ग्रेटर देन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, फिर से बोले फॉर एसिड बेस रिएक्शन कॉमा इफ
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट एसिड इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट एसिड, ठीक है, ग्रेटर देन द प्रोडक्ट एसिड, देन रिएक्शन विल बी, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लिखे, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, और नॉन स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ प्रोडक्ट एसिड, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट एसिड, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट एसिड, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट एसिड इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट एसिड, इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट एसिड, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस इन, इज दैट क्लियर, प्रॉब्लम दस रहा है। चलो अब देखो, समझ लो, सीख लो कैसे एसिड बेस का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। पाला वाला क्या है तुम्हारा, स्पॉन्टेनियस है किसमें, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो क्वेश्चन देते जा रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा ये तुम्हारा है R C ट्रिपल बॉन्ड CH, और किसके साथ हो रहा है तुम्हारा, ये NaOH के साथ, ठीक है, अब तुमको बनाना है, ट्राई करो। ये हम लिख रहे हैं R C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं H NaH, NHCO3 क्या है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 10 में पढ़े हो ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद हम करवा दे रहे हैं CH3CH2OH का रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, उसके बाद देखना जी, उसके बाद हम करवा रहे हैं CH3OH का रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। अब यही तुम्हारा हम दे रहे हैं, ये देखो OH फेनॉल है, फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, उसके बाद देखना, यही फेनॉल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, NaHCO3 के साथ, ठीक है, उसके बाद इसी फेनॉल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, बोलो, NaNH2 के साथ, ठीक है, उसके बाद देखो जी CH3COOH का रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaHCO3 के साथ, ठीक है, ऊपर मिटा दे, ऊपर मिटाएं, उसके बाद ये क्या है तुम्हारा SO3H, और ये बेंजीन रिंग, बताओ जी नाम क्या है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, रिएक्शन NaHCO3 के साथ, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन हम करवा रहे हैं ये COOH और ये, ठीक है, और ले रहे हैं हम तुम्हारा NaNH2, और एक ले लें, चलो जी,
बताओ पहला का क्या बनेगा? ये वाला, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसका क्या बनेगा? आर सी, ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, और क्या रहेगा? एन ए प्लस, और साथ ही साथ क्या बनेगा? वॉटर। ये तुमको क्या देखना है? वॉटर को देखना है, और यहाँ किसको देखना है? ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। बताओ विच वन इज मोर एसिडिक, वॉटर या ट्रिपल बॉन्ड? वॉटर, ठीक है। वॉटर ज्यादा एसिडिक होगा तो बताओ ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? हम कट कर रहे हैं इसका मतलब स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और करेक्ट स्टिक सही कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या बनेगा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, और ये रहेगा एन ए प्लस, ठीक है। और ये क्या बनेगा तुम्हारा? एच टू सी ओ थ्री। तो एक तरफ है एच टू सी ओ थ्री और एक तरफ है ट्रिपल बॉन्ड। बताओ विच वन इज मोर एसिडिक, एच टू सी ओ थ्री दैट इज कार्बोनिक एसिड, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये देखो ये तुम्हारा बनेगा सी एच थ्री, सी एच थ्री, ठीक है, सी एच टू, और क्या बनेगा? ओ पे माइनस, और ये रहेगा एन ए प्लस, और साथ ही साथ क्या बनेगा? वाटर। बताओ वाटर है और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, विच वन इज मोर एसिडिक? वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब ये देखो ये तुम्हारा बन रहा है क्या होगा? सी एच थ्री ओ माइनस, और ये रहा एन ए प्लस, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा? वाटर। बताओ जी वाटर है और ये मिथाइल अल्कोहल है, विच वन इज मोर एसिडिक? मिथाइल अल्कोहल, एक्सेप्शन है एक ही, है ना। तो ये क्या होगा तुम्हारा? स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखो फेनॉल है, इसका नाम क्या है? फेनॉल, ठीक है, और इसका जब रिएक्शन होता है तो फेनोक्साइड आयन बनता है जो ओ पे माइनस जानता है। ये वाला कार्बोनिक एसिड है, ये क्या बना? यहां से एच निकला ना, जा सेकेंड वन को ध्यान से देख लो फिर से, सेकेंड वन को ध्यान से देखेंगे, ये है तुम्हारा अल्काइन और ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहां से, अरे बेसिकली ये क्या है? एन ए प्लस और एच सी ओ थ्री माइनस, यही है ना, एन ए प्लस और एच सी ओ थ्री माइनस। तो एन ए प्लस यहां से निकला, बेसिकली ये एच देगा, तो एच देगा तो क्या बनेगा? एच टू सी ओ थ्री। तो एच टू सी ओ थ्री कहां गया? यहां पे, और यहां से एन ए निकल कर कहां चला गया? इसके पास। तो ये वाला एसिड बना, इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड और अल्काइन में हम लोग देखेंगे किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि ये किधर जाएगा? स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? अब देखो इसका नाम क्या है तुम्हारा? फेनोक्साइड आयन, फेनोक्साइड आयन, ठीक है, और साथ ही साथ तुम्हारा क्या बन रहा? वाटर। बताओ जी पानी और फेनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है? फेनॉल। इसका मतलब ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अभी आ गया फिर से फेनॉल और इसके साथ है, तो ये तुम्हारा फिर से क्या बनेगा? फेनोक्साइड आयन, ठीक है, याद हो गया ना। और साथ ही साथ क्या बनेगा? ये एच टू सी ओ थ्री, विच वन इज एसिडिक? बोलो, फेनॉल और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब ये फेनॉल और एन ए एन एच टू, ये क्या बना देगा फिर से तुम्हारा? फिर से बनाएगा ओ माइनस और एन ए प्लस, दैट इज फेनोक्साइड आयन, और क्या बनेगा? एन एच थ्री। बताओ जी एन एच थ्री और फेनॉल में पहले कौन? फेनॉल, पहले कौन? फेनॉल। सो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सी डबल ओ एच, ठीक है, सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस होगा, और क्या बनेगा? माइनस एन ए प्लस, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा तुम्हारा? एच टू सी ओ थ्री। तो एच टू सी ओ थ्री और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किधर होगा? बोलो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब ये सल्फोनिक एसिड आ गया, नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग है। अब यहां से एच निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? एस ओ थ्री माइनस एन ए प्लस, ये बनेगा, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा? एच टू सी ओ थ्री। स्ट्रॉन्ग कौन है? ये हो ही नहीं सकता है कि बैकवर्ड जाए। अब इसमें आ जाओ, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड है, तो सी डबल ओ माइनस, और ये क्या हो जाएगा? एन ए प्लस, और ये बेटा क्या होगा तुम्हारा?
बेंजीन रिंग और साथ ही साथ क्या बनेगा NH3। बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है ये, तो किधर जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 COOH- और ये रहेगा Na+, ठीक है। और ये क्या रहेगा तुम्हारा पानी, क्या जाएगा इधर की तरफ, समझ में आया, ठीक है। ये भी नहीं लिखी थी अभी तक, यहीं से तो स्टार्ट ही था CH3 CH2, कितना धीरे लिख रही है, पड़ोसी के लिए भी लिख रही है क्या है? तो इधर हुआ, इधर हो गया, जल्दी छापो जल्दी छापो। सुनते भी रहने का हाथ भी चलाने का। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंटल है जी, ये NO2 नाम है इसका, सॉरी NO2 नाम बोल रहे हैं, NO2 है और इसका नाम है तुम्हारा P नाइट्रो फेनॉल, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ, दैट साइड इज कॉल्ड P नाइट्रो फेनॉल, ठीक है। अब इसका रिएक्शन, ठीक है, इसका इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहे हैं PKa, इसका PKa मान लेते हैं 1 है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ये ध्यान में रखना क्या बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल, इसका PKa 1 मान लेते हैं, क्या है तुम्हारा PKa 1, और ये जब रिएक्शन होता है ना H2CO3 के साथ, सॉरी H2CO3 कह रहे हैं, NaHCO3 के साथ, तब जो है ये तुम्हारा बनता है OH, ठीक है, बनना क्या चाहिए ये, सॉरी O पे माइनस और Na+, और ये रहना चाहिए NO2, ठीक, और साथ ही साथ क्या बनना चाहिए H2CO3, और ये जो एसिड है ना उसका एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू PKa क्या है तुम्हारा 2, ठीक है, क्या मान लेते हैं PKa 2, क्लियर है। और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट कहते हैं क्या बोलते हैं, अच्छा PKa के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि PKa इज इनवर्सली 2 एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा PKa का वैल्यू होगा उतना ही वो एसिडिक कम होगा, ठीक है। तो क्या बोलता है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि PKa 1 इज ग्रेटर देन PKa 2, इसका मतलब क्या हो गया कि PKa 1 इसका क्या है ज्यादा है, और ये ज्यादा का मतलब क्या हो गया ये एसिडिक, बोलो कम है, किससे, कार्बोनिक एसिड से, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये नहीं होगा, ध्यान में रखना। तो और एक बात कि NO2 किसी भी पोजीशन पे रहेगा वो एक्सपेरिमेंट वो रिएक्शन नहीं देगा, ये नोट करके लिख लेना, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे यदि NO2 रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं देता है। लास्ट वाला हम क्या बोले ना कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका PKa है कुछ 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसका PKa है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड का 2, और एक्सपेरिमेंट में ये बताया हुआ है कि PKa का वैल्यू जो भी है वो 1 का ज्यादा है 2 से, तो इसका ज्यादा PKa का मतलब क्या हो गया एसिडिक कम, तो एसिडिक कौन ज्यादा होगा ये, अब ये ज्यादा है तो रिएक्शन उधर जाएगा ना, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना कि NO2 किसी भी पोजिशन पे रहेगा फेनॉल के, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा,
समझ में आया, वो बैकवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। लिख लेना ये चीज नोट में, लिख लिया ना, ठीक है। अब एक चीज और, एक बात कि यदि यही तुम्हारा है NO2 और ये तुम्हारा NO2, इसको कहते हैं 2.4.6, ठीक है, ट्राई नाइट्रो, ठीक है, ट्राई नाइट्रो, ठीक है, फेनॉल, क्या बोलते हैं 2.4.6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, ठीक है, ये क्या आईयूपीएसी नेम है। और कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका है पिक्रिक एसिड, क्या है तुम्हारा, पिक्रिक एसिड, और ये बॉम्ब में डेटोनेटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में रखना। तो इसका इसका जब हम लोग रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, NaH CO3 के साथ, ठीक है, तो ये बनता है OH, और ये अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अप्रोक्स HCl के बराबर होता है, जितना HCl एसिडिक होता है ना उतना ज्यादा ये एसिडिक माना जाता है, उतना स्ट्रांग है ये एसिडिक। तो ये तुम्हारा बनेगा और यहाँ क्या होगा तुम्हारा O- Na+, और साथ ही साथ ये तुम्हारा NO2 और ये हो जाएगा NO2 और ये हो जाएगा NO2, इज दैट क्लियर। और ये और साथ ही साथ क्या बनेगा तुम्हारा H2CO3, और ये रिएक्शन देता है क्योंकि बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है ये, समझ में आया, ये स्ट्रांग है, ये रिएक्शन देता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़े ना, बेस है, ठीक है, अब इसका टेस्ट देखेंगे, यही निपटा देते हैं, NaHCO3 टेस्ट, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यदि किसी एसिड के साथ, टेस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई चेंज आता फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, कुछ हमको पता, कलर का चेंज आएगा, ठीक है, प्रिसिपिटेट बनेगा, बात समझ में आ रहा है, महक उसका जो है वो कुछ अटपटा सा आएगा, या फ्रूटी, स्टेरिफिकेशन में देखो एस्टर बनता है, फ्रूटी स्मेल आता है, इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पंजेंट स्मेल भी कई सारे रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस तुमको नजर आएगा, तभी वो क्या कहलाता है, टेस्ट कहलाता है, कि हाँ ये बदलाव आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट है, बात समझ में आया, क्लियर है। तो देखना यदि हम लोग एसिड का रिएक्शन यदि हम लोग करवाते हैं, ठीक है, हमको पता करना है कि उस कंटेनर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या नहीं है, ठीक है, उस कंटेनर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि नहीं, हम मान लेते हैं ये कि तुम्हारा क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, ठीक है, इसमें तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि नहीं, ये हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं ये एक्स है कुछ, ठीक है। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ रिएक्शन, और यदि इसका रिएक्शन हो रहा है, उस एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो आगे अपने को क्या मिलेगा, क्या इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, और साथ ही बताओ क्या मिलेगा, H2CO3। देखो जी एसिड क्या देगा, H+, और वो अपना Na+ छोड़ेगा, यदि क्या रहेगा, यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, तो यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसका मतलब ये क्या देगा, H2CO3 देगा क्या, तो क्या आएगा तुम्हारा, H2CO3, और ये जो है टूट जाता है H2O में और CO2 में, CO2 गैस, समझ में आया। और तुम भी बचपन में पढ़े होगे कि CO2 को जब हम लोग पास करवाते हैं स्लग लाइन या फिर लाइम वाटर, पढ़े हो ना, तो कलर क्या चेंज होता है, मिल्की वाइट, और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, CaCO3, और कुछ बनता है, बोलो, CO2, देख लो, या वाटर, समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्लियर। अब ये जो रहता है ये तुम्हारा रहता है मिल्की वाइट, पीपीटी का फॉर्म में बनता है, प्रिसिपिटेट जिसको कहते हैं, ठीक है, पीपीटी, और ये रहता है आपका मिल्की
व्हाइट कलर का। समझ में आया? इसका मतलब है यदि मिल्की व्हाइट निकल गया, यदि फाइनली मेरा ये मिल्की व्हाइट हो गया, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब कि वो जो गैस था वो क्या था? CO2 था, पक्का CO2 वो था, और CO2 था इसका मतलब वो CO2 कहां से आया होगा? H2CO3 से आया होगा, और H2CO3 कब बनेगा? जब यहां पे क्या रहा होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलो समझ में आया? क्लियर है? तो ये तो समझ में आया कि सोडियम हाइड्रोजन का टेस्ट हो गया, लेकिन हमको ये, अब तो एसिड तो बहुत सारा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा? कौन कौन से एसिड है? अब चूंकि सबके साथ तो रिएक्ट भी नहीं करेगा ना, सबके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो कौन कौन से एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, इसका मतलब है कि कौन कौन से एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देंगे। बताओ कौन कौन सा एसिड देगा? वैसे तो बहुत सारे एसिड हो सकते हैं ना, तो लिखना SMT। क्या लिखोगे? SMT मंजे सस्ता मजबूत और टिकाऊ। ठीक है, क्या? सस्ता मजबूत और टिकाऊ। समझना कौन कौन सा, एक लाइन में पूरा आंसर खत्म। ठीक है, सारा एसिड एक लाइन में, जो जितना एसिड जो है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन सा एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा? वो एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा जिसके नाम के पीछे में एसिड लगा है। चेक कर लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिए, और बाकी जितना भी कोई भी एसिड है, पिक्रिक एसिड है, तो सारा एसिड जो है वो क्या देगा? बेंजीन, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा। अब लिख डालो इसको, इसको हम क्या लिखवाएंगे? ठीक है, यानी मेनली कौन कौन सा तुम्हारा आ गया, अब जो हम बात बोले हैं वो तुम लिख देना। ठीक है, और बस हम यहां लिख दे रहे हैं PHSO3H। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा बोलो जी? PHCOOH। ठीक है, RCOOH, HCOOH। ठीक है, ETC। ठीक है, एंड दोज एसिड, ठीक है, हूज नेम एंड्स विद एसिड, जिसका नाम का अंत होता है किसके साथ? एसिड के साथ। जला है सस्ता मजबूत और टिकाऊ, यही मीनिंग। सस्ता मजबूत टिकाऊ है कि नहीं? ज्यादा याद भी नहीं करना है, और सब जगह होल्ड भी कर रहा, मतलब मजबूत और टिकाऊ, तुम चलाते रहो कितना देर चलाना है। समझ में आया? अब हेडिंग डालो, तो ये तुम्हारा जो है पूरा इंडक्टिव इफेक्ट, उसका एप्लीकेशन, और ये टेस्ट एक आ रहा था वो भी हम खत्म किए। अब डालो रेजोनेंस। डाल दी हेडिंग, अब देखो जी रेजोनेंस ये पूरे तरीके से काल्पनिक है, और उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस तो थोड़ा बहुत बाद में कुछ पता भी चलता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सुने होगे, हाइब्रिडाइजेशन सुने होगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़े हो ना वो कंप्लीटली काल्पनिक है, पूरे तरीके से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो मूवी वगैरह स्टार्ट होता है तो बोलता नहीं है कि इससे क्या बोलता है, ऐसा कुछ बोलता नहीं कि इससे पात्र और घटनाएं जो है पूरे तरीके से काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और यदि हुआ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर
दूर दूर तक कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसा कुछ बोलता है ना। तो उसी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन वो क्या था, पूरे तरीके से काल्पनिक। समझ में आया, मतलब एक मनगढ़ंत कहानी है, डाल दिमाग में, इज दैट क्लियर? ठीक है। अरे वो जैसे गांव वगैरह में पहले कभी सुने होगे या देखे होगे, जादू वगैरह टाइप, ठीक है, नारियल लिया, नारियल समझते हो ना, हाँ, सूखा नारियल, उसके अंदर से गड़ी जो है वो निकाला, मतलब ठीक है, और अंदर में रख दिया सोडियम, ठीक है, लिया पानी, कलकत्ते वाली काली तेरा वचन ना जाए खाली, मारा ढस, समझाया, आ गया आग, लो जादू, कुछ और प्रकट हो गया, वैसे ही टाइप था हाइब्रिडाइजेशन। खुद सोचो जरा सा, क्या बोला कि बी मॉलिक्यूल यदि BH2 हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, BH2, ठीक है, तो बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, बी का कितना होता है एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, ठीक है, ये हो गया 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1H2 2H2, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2S1 और 2P कितना हो जाएगा 1, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन आ रहे हैं तो इसके साथ करेगा ओवरलैपिंग, और एक किसके साथ, अब हाइड्रोजन का किसमें रहता है, S में, तो ओवरलैपिंग इसके साथ करेगा, तो ओवरलैपिंग क्या होना चाहिए, SS ओवरलैपिंग और SP ओवरलैपिंग, अरे दिखने से तो यही नजर आ रहा है, समझ में आया? तो जब SS ओवरलैपिंग हो रहा है तो क्या इनका एनर्जी अलग होगा क्या SP से, दोनों का एनर्जी अलग होगा, अब दोनों का एनर्जी अलग होगा तो क्या बॉन्ड लेंथ अलग नहीं होगा, क्या बॉन्ड एनर्जी भी अलग होगा, तो BH2 में H और ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा H, जब एक्सपेरिमेंटल डेटा आया तो पता चलता है कि दोनों का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी सब बराबर है, समझ में आया? तो कहा अरे बाबा ऐसा कैसे, कुछ तो लोचा है, कहीं तो फिरकी ले रहा है, ठीक है, तब वही फिर दिमाग लगाया गया क्या किया जाए, ये भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है, ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए कि ये सही है तो एक नया चीज प्रकट हुआ, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आया, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ है, समझ लगा, ठीक है, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ है, तो बोला क्या जादू वाला, पहले देखते रहे अपना हैट निकाला, ठीक है, कुछ डाला और फिर कबूतर निकाला, नहीं पुराना वाला थोड़ा सा, ठीक है, ये भी क्या किया, बोला एक डब्बा लेते हैं, बोला ले लो, बोला जो मैचेबल नहीं है वो कौन है, बोला SP, दोनों को डालो, आइस को भी डालो, सबको डालो साथ में, ठीक है, डाल दिया, ठीक है, डालने के बाद फिर ठीक, और बोला कि जैसे ही हुआ, बोला इसमें से प्रकट हुए दो, दो ऑर्बिटल डाले, ठीक है, और दो डिफरेंट जो तुम्हारा है वो जन्म लिया जिसका एनर्जी शेप साइज सब बराबर है, ठीक है, और उसको क्या बोले, SP हाइब्रिडाइज्ड, समझे, यानी कि अब इन दोनों का क्या था, होना क्या चाहिए, SS और SP मिला के, बोला इसका वाला जो है वो SSP है और SSP है, मतलब होना क्या चाहिए, S और S और एक का S और P, तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों को मिलाओ, और मिलाने के बाद एक नया, दो ऑर्बिटल मिलाने के बाद दो नए ऑर्बिटल जन्म लिए जो SSP है और SSP है, लो hence proved, समझ आया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, और चूंकि ये सारे चीजों को सेटिस्फाई भी कर रहा है तो इसको अकाउंट में ले लिया गया, समझ में आया, ठीक उसी प्रकार से हमारे हैं रेजोनेंस, समझ में आया, ठीक उसी से क्या है रेजोनेंस, अब वैसे कई सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड थे, वैसे कई सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड थे, जैसे कि हम मान लेते हैं बेंजीन ही ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है अपना बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, अब ये है तुम्हारा A, ये है B और ये है क्या तुम्हारा C, अब यदि हम बॉन्ड लेंथ बात करें, बॉन्ड लेंथ बात करें तो AB का तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर होगा तुम्हारा BC से, जो नजर आ रहा देखते हुए, ठीक है, साक्षात जो नजर आ रहा दिखते हुए यही बोलेगा ना भाई, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना, तो ये कहां ध्यान है,
ठीक है। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो, किसका होगा? इसका क्या होगा? एबी का क्या होगा? टू होगा। एबी का देखो क्या होगा तुम्हारा? टू। और बीसी का क्या होगा तुम्हारा? वन। यही होगा ना। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? इनवर्सली, यानी एबी इज लेस देन क्या हो जाएगा? बीसी। डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ऐसा सोचने को आया। ये क्या था? एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ऐसा सोचा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आया तो फिर रातों की नींद उड़ गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल बोलता है, नहीं 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 तुम गलत हो। ठीक है, ए बी जो है वो बराबर है बीसी के। बॉन्ड लेंथ बोला, अच्छा ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बोलता, बॉन्ड ऑर्डर भी जो है ए बी जो है वो बराबर है बीसी के, तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा? बोलो, ए बी बराबर होगा बीसी के। तो बोलता अब कैसे, फिर कुछ गड़बड़ है। तो अब इसको समझाने के लिए क्या लाया? रेजोनेंस, कि कुछ तो चीज है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है और कुछ चीज छूट रही। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर से जब सारे प्रॉपर्टी को नहीं बताया जा सका, सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया जा सका, तो इसी से रिलेटेड दूसरा स्ट्रक्चर लिया गया इसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए, बेंजीन के प्रॉपर्टी को समझने के लिए। बात समझ में आया? क्लियर है। जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे कि ये तुम्हारा CO3-2, तो डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये O माइनस और ये ऐसा कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन का तुम्हारा क्या नजर आ रहा है? ये वाला और ये वाला के बीच में डबल बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये वाला और ये वाला के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो क्या होना चाहिए? इसका बॉन्ड लेंथ कम, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर इसका टू, इसका वन, इसका वन होना ऐसा चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या बोलता? नहीं, सब बराबर है। बोला हाय दैया, ऐसा कैसा? समझ में आया? तब उसको समझाने के लिए क्या लिया? किसको ले आया? रेजोनेंस को। बोला कि इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी को नहीं बता रहा। बोला दूसरा, तो बोला दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा क्या हुआ तुम्हारा? डबल बॉन्ड के पोजिशन को शिफ्ट किया, यानी कि डिलोकलाइजेशन ऑफ क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम था, वैसा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करेगा मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में, उसको क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया? शिफ्ट हो गया यहां से यहां, यहां से यहां। अब यहां पे देखो, यदि हम इसको माने ए, इसको बी और इसको सी, तो फिर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बताओ? कि बॉन्ड लेंथ तुम्हारा क्या निकलेगा? बोलो, ए बी लेस देन हो जाएगा किससे? बी सी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, ए बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बी सी। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी का क्या आएगा? वन। ए बी का वन और बी सी का तुम्हारा क्या आ जाएगा? टू। सब देखो चेंज हो गया। बोला अच्छा ठीक है, बोला दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओ। मिलाने के बाद एक नया आया जो कि इसके सारे के प्रॉपर्टी को बता रहा था। क्या सिंगल बॉन्ड सब में है? अब मिलाएंगे तो क्या डबल बॉन्ड यहां भी थोड़ा सा आ जाएगा, इसके पास भी डबल बॉन्ड आ जाएगा? यानी कि एक तरह से देखा जाए कि क्या तीन डबल बॉन्ड जो है वो छह जगह बटेगा? तो तीन डबल बॉन्ड छह जगह बांटना रहेगा तो तोड़ना पड़ेगा ना। अब एक कैडबरी है, दो लोगों में बांटना है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि बिना तोड़े दोनों को मिल जाए? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो तोड़ा गया, और तोड़ते तोड़ते जो है, चूंकि डबल बॉन्ड का मूवमेंट सारे जगह था, ये डॉटेड डॉटेड सब जगह है। समझ में आया? और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से भी बेंजीन रिंग को करते हैं। अंडरस्टूड? तो वैसे कई सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड हैं जिनका एक स्ट्रक्चर उनके सारे प्रॉपर्टी को नहीं बताया जा सकता है, उसके एक स्ट्रक्चर से उनके सारे प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, और उन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बोले हम? बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा फेमस है आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जो मेन स्ट्रक्चर होता है, फिर से सुनो, वैसे कई ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड है जिनके एक स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी को नहीं बता सकता है,
जिससे जिसके कारण हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। और उन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। और जो मेन स्ट्रक्चर जो कि उनके सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। और वैसा फेनोमेना जो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रक्चर इनटू अनदर स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस वाया डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोबलिन दासा इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस से किसी भी कंपाउंड की बहुत बढ़ती है, बहुत ज्यादा, समझ में आया? वो स्टेबिलिटी बाद में आएंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसको छापे इस चीज को और फिर लिखे डेफिनेशन। हो गया इतना, लिख लिए थे कुछ? थोड़ा लिख भी लिया करो, तो हमको तो फिर 3 घंटा क्लास लेना पड़ेगा ना, 1.5 घंटा पढ़ाने का और 1.5 घंटा छपवाने का है? तो ऐसा सोचो ना कि तुम पीछे बैठी हो और तुम्हारे आगे कोई बैठा हुआ है और एग्जाम चल रहा है, 10 मिनट केवल बचा हुआ है और तुमको 20 नंबर का लिखना है, और जब वो थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाएगा तो कैसे लिखेगी? सोचो थोड़ा सा उस तरीके से है। अच्छा, हम ही आइडिया है लो। हो गया लिखो, देयर आर सो मेनी कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन विच A single structure cannot define all the properties of compound. A single structure cannot define all the properties of compound. So we need more than one structures, and these structures are known as resonating structures, contributing structures, and canonical structures. ठीक है, एंड द मेन स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप के बाद लिखना, एंड द मेन स्ट्रक्चर व्हिच डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज एंड द मेन स्ट्रक्चर व्हिच डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज is known as resonance hybrid. Full stop. Paragraph change करके लिखो,
the conversion of one structure into another structure, the conversion of one structure into another structure is called a resonance. Is called a resonance. समझ में आया? अब लिखो conditions for resonance. Conditions for resonance. ठीक है, रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो पहला कंडीशन है कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट. ठीक है, क्या होता है कॉन्जुगेशन वो बताते हैं. सेकंड लिखो कंपाउंड और पार्ट ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए? sp2, sp2 क्या होता है? प्लेनर होता है ना, ध्यान में रखना अपने को sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी प्लेनर चाहिए. पूरा कंपाउंड बहुत अच्छी बात है, या फिर जिस पार्ट में कॉन्जुगेशन मिले वो वाला प्लेनर तुम्हारा रहे तो वहां उतना दूर तक रेजोनेंस होगा. ठीक है, तो ये दो कंडीशन है. अब कॉन्जुगेशन भी जो है, ठीक है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सिस्टम. ठीक है, यानी कि समझना ये जो होगा तुम्हारा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम. ठीक है, कॉन्जुगेट सिस्टम डबल डबल यानी कि डबल बॉन्ड कंटिन्यूटी में आ जाए. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम. क्यूमुलेटेड सिस्टम, ठीक है, और दो डबल बॉन्ड के बीच में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ जाए. कैसा आ जाए? sp3 हाइब्रिडाइज आ जाए, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम. अब कॉन्जुगेशन जो है वो हम लोग देखेंगे और अच्छे से. यदि कहीं पे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, दो बिंदा मतलब लोन पेयर पता है ना, ठीक है, फ्री रेडिकल का कॉन्जुगेशन, सिंगल बॉन्ड सिंगल डॉट का मतलब फ्री रेडिकल का कॉन्जुगेशन. तो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन का मतलब है क्या नजर आएगा? यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नजर आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन कहलाएगा. ठीक है, पर आगे भी डबल सिंगल डबल होते जाए तो कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा. बात समझ में आया? लेकिन एटलीस्ट कहीं पे भी पॉजिटिव सिंगल और डबल हो तो कहेंगे कि उतना दूर कॉन्जुगेशन है. और आगे कॉन्जुगेट का मतलब ही क्या है? डबल सिंगल डबल, तो आगे आप डबल सिंगल डबल कंटिन्यू करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्जुगेशन है वो. ठीक है, या फिर तुमको क्या मिल जाए यहीं पे? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? कॉन्जुगेशन है. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या फिर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल. यदि वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए तो, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए तो, ठीक है, तो कौन सा वैकेंट तुमको मिलेगा? पी और डी ऑर्बिटल तुमको वैकेंट मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम डी होता है. ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट जो है उसमें तुमको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, अपने यूज में लाने वाले हैं. उसके बाद लोन पेयर में क्या? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं मिले, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिले, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल मिले. ठीक है, उसके बाद फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट सिस्टम कहलाएंगे.
और इसमें रेजोनेंस देखा जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो, अब फिर कंफ्यूजन कितना याद कैसे करेंगे, ये डबल सिंगल ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कुछ नहीं करने का, इसका भी हम एक सस्ता मजबूत टिकाऊ उपाय बताते हैं, ठीक है? फिर से एसएमटी बताते हैं, और एसएमटी जो है वो तुमको खुद लिखना है अपने भाषा में कि क्या हम बोले थे। समझ में आया? तुमको मतलब हम समझा देंगे, फिर वो तुमको लिखना है, क्योंकि वो एकदम देसी भाषा में तुम जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, मतलब है तुम्हारा वो आंसर सही टिक करने का, ठीक है? तो देखो, कुछ नहीं करना, कहीं भी तुमको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, कुछ वैकेंट ऑर्बिटल कुछ भी मिले ना, उसको आंख बंद करके डबल बॉन्ड मान लो बिना किसी को बताए। समझे? क्या मानोगे? डबल बॉन्ड। अब चेक करो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, देख लो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। समझ में आया? कहीं भी डबल बॉन्ड, कहीं भी फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर कुछ भी मिले उसको मान लो डबल बॉन्ड ही है। कॉन्जुगेशन चेक करने के लिए, फॉर चेक कॉन्जुगेशन, ठीक है? फॉर चेक कॉन्जुगेशन क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे? डबल बॉन्ड ही। अब फिर चेक करेंगे डबल सिंगल डबल, फिर चेक कर लेना, और मिल जाए ऐसा मतलब कॉन्जुगेशन है, ठीक है? और sp2 जनरली रहेगा ही रहेगा प्लेनर, तो फिर वो क्या करेगा, रेजोनेंस उसमें होगा। और रेजोनेंस में क्या होता है, अच्छा वो लास्ट में एक लाइन जोड़े क्या कि द कन्वर्जन, क्या लास्ट लाइन रेजोनेंस का डेफिनेशन में क्या लिखा है, द कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रक्चर इनटू अनदर स्ट्रक्चर वाया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वाया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख लेना, वाया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वाया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। नहीं समझे? कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रक्चर इनटू अनदर स्ट्रक्चर वाया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ठीक है, अब लिखो, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस, ठीक है? क्या देखने जा रहे हैं रेजोनेंस में? सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस, ठीक है? देखना जी, ये देखो CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, देखो क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, क्या कॉन्जुगेशन है? क्या करेंगे, जहां डबल है उस, जहां पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या मानो, डबल। देखो डबल सिंगल डबल है क्या, तो क्या बोलेंगे, इसमें रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस कैसे होता है, पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से, यानी पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। इज दैट क्लियर? अब समझना, क्या पाई बॉन्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो पॉजिटिव के तरफ जाएगा या उससे दूर भागेगा? जाएगा, यानी कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जो पाई बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। समझ में आया? और यदि निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो उससे दूर भागेगा, और वैकेंट ऑर्बिटल भी है तो वो जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज उधर ही भागेगा। बात समझ में आया? क्लियर है ये चीज? अब देखो जरा सा, इसका नाम बताओ क्या है, बोलो जी इसका नाम क्या है? ये वाला तुम देखे थे पॉजिटिव हटा करके यदि हम डैश देते तो इसका नाम क्या था, एलाइल, एलाइल था, ठीक है? तो इसका अब पॉजिटिव चार्ज यदि हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसका इसको कहेंगे एलाइल, एलाइल कार्बोकेटायन इसका नाम होगा। समझ में आया? नाम क्या होगा, एलाइल कार्बोकेटायन। अब बताओ ये पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, तो ये देखो इसको यहाँ से उठाएंगे और इस कार्बन पे देंगे, और इस कार्बन पे क्या चला जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, अंडरस्टूड? और फिर क्या बनेगा यहाँ से बताओ, ये बनेगा सी एच टू, अब निगेटिव और पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और ये देखो पॉजिटिव, ये आ गया ऐसे,
तो जहां तक कॉन्जुगेशन था क्या वहां तक पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया ना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ये क्या हो गए RS, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हुए दो। अब बनाना है अपने को RH, तो RH बनाने के लिए जो दोनों में कॉमन है वो लिखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों में यही कॉमन है ना, वो लिख दिया हम। उसके बाद देखो क्या डबल बॉन्ड यहां भी है और डबल बॉन्ड यहां भी है, एक बॉन्ड है, दो जगह बांटना है, तोड़ना पड़ेगा ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही डॉटेड से इसके डबल बॉन्ड को दिखाएंगे। अंडरस्टूड, किसे दिखाए डॉटेड से। अब पॉजिटिव भी यहां पे है पहले पे और तीसरे पे, तो क्या करेंगे पॉजिटिव को फिर दो जगह दिखाना है, तो आधा आधा करना पड़ेगा पार्शियल। तो पार्शियल कैसे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, डेल्टा पॉजिटिव, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा आर एच, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, दूसरा देखो, बताओ जी इसमें है क्या कॉन्जुगेशन है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला किधर की तरफ जाएगा, इस कार्बन की तरफ जाएगा क्या, और इस कार्बन की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड होगा, ये CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, देखे अब ये डबल बॉन्ड टूट के कहां जाएगा, यहां पे, जिससे फिर क्या बनेगा ये। अच्छा, डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। देखो ये बनेगा क्या, यही बनेगा ना। आरएस कितने हुए, तीन हुए ना। अब आरएच इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो तीनों में जो कॉमन है लिखो CH2 देखो जी सब में यही कॉमन है क्या, है ना, तीनों स्ट्रक्चर्स में ये कॉमन चीज है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। कॉमन मतलब देखो CH2 सब जगह है तो CH2, सिंगल बॉन्ड तो सब जगह है, डबल बॉन्ड दो ही जगह है तो सिंगल बॉन्ड। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, पहला पे तीसरा पे और आखिरी पे, तो तीन जगह पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, तो एक ही पॉजिटिव तीन जगह घूम रहा है ना, तो यहाँ पे क्या देखें। अच्छा, ये डॉटेड डॉटेड सब जगह डबल बॉन्ड भी है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या होगा तुम्हारा डेल्टा पॉजिटिव। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ ये। आगे देखो, इसको बना लोगे, हाँ जल्दी बनाओ, मिटाएंगे फिर इसको। इधर हो गया, इस साइड वाला हुआ। इसका नाम है ट्रोपाइलिनियम आयन। ठीक है,
इसका होमवर्क करके लाना, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS आर फाउंड, ठीक है, कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन अ रिंग। वैसे कितने RS बनेंगे इसके जिसमें पॉजिटिव चार्ज रिंग पर होगा, रिंग से बाहर नहीं, रिंग पर होने चाहिए, ठीक है। चलो इसका बनाओ क्या होगा, किधर जाएगा जी, पॉजिटिव की तरफ भेजेंगे, पॉजिटिव की तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, और यहां चला जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये किधर मूव करेगा, ये ऐसा, ठीक है, और ये जो है डबल हेडेड एरो से हम दिखा रहे हैं ध्यान से, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये ऐसे, फिर ये वाला यहाँ, ठीक है, ये ऐसे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और ये ऐसे, आ गया ना। तो RH कितने हुए इसके, 4। RH क्या बनेगा, जो कॉमन है वो लिखो, कॉमन देखो ये है केवल, अब पॉजिटिव चार्ज सारे जगह है यहां से वहां तक, है ना, और उसके बाद फिर देखो डेल्टा पॉजिटिव कहां कहां है, तो डेल्टा पॉजिटिव यहां है, उसके बाद यहां है, उसके बाद यहां है, और तो कहीं है क्या, अच्छा यहां भी है ना, ये देखो ये आर एच बना, समझ में आ रहा, समझे या नहीं समझे, दिक्कत है बताओ, ले तो जा रहे हैं वैसे ही पाई बॉन्ड को, किधर ले जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कार्बन पे दिखाना उठा करके कि ये कार्बन पे पहुंचा है, और कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये वाला में, देखो ये वाला है क्या पॉजिटिव, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल पूरे रिंग में है, तो ये डबल बॉन्ड उठ के कहां जाएगा, इस कार्बन एटम पे जाएगा ना, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव और ऊपर में क्या पॉजिटिव, दोनों क्या बनेंगे, बॉन्ड, ठीक है, तो जिससे ये तुमको क्या नजर आएगा, CH2 और डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां से उठा इसलिए पॉजिटिव, ये इसी तरीके से, अब ये पाई बॉन्ड किधर जाएगा, उठ के टूट के यहाँ पे, ठीक है, तो ये तुम्हारा किस तरीके से CH2, ये तुम्हारा ऐसा, ये देखो निगेटिव यहाँ, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या बनेगा, बॉन्ड, और फिर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे, और क्लॉकवाइज जा रहे, सॉरी एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉक ही ले जाएंगे, ये वाला तुम्हारा ऐसे, और ये जब ऐसे आएगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा ऐसा, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि निगेटिव यहाँ आएगा तो निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, ये पहले से जैसा था और यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये वाला किधर जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे, और जिससे फिर क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये यहाँ से टूटा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड, ये ऐसे और ये ऐसे, लेकिन तुम देखो कि यह पहला और आखिरी वाला कॉमन है, बोलो कॉमन है ना, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज जहां से आया था वहीं पे चला गया, तो ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अभी हम बोलना कि पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो गया, रेजोनेंस है तो चेंज होगा ही, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जहां से चालू हुआ था वहां पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, हम डबल बॉन्ड को इधर लिख दें या उधर, बात देखिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का जो लोकेशन है वो चेंज होना चाहिए। तो RH कितने हुए इसके, बोलो 4। RH कैसे बनेंगे, ये CH2, ये बेंजीन रिंग, और चूंकि सब जगह डिलोकलाइज हुआ है तो डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी आया है डॉट डॉट डॉट, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया है वहां वहां हम डेल्टा पॉजिटिव दे दिए, ठीक है। अब इसका तुम बनाओगे, तो इसका तुम बनाओगे तो कैसे होगा, किधर से भी एक तरफ से जाओ, हाँ ये वाला डेंजर है थोड़ा सा, रिंग वाला, रिंग वाले में बनाना तो या तो तुम जाना क्लॉकवाइज, नहीं तो जाना एंटी क्लॉकवाइज, और तब तक घूमते रहना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब तक पहले वाला स्ट्रक्चर तुमको दोबारा ना मिल जाए। जैसे देखो ये हम जा रहे हैं उठा करके ये यहाँ पे,
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएंगे बॉन्ड, यानी ये अपने को क्या मिला ऐसे, ये आया पॉजिटिव चार्ज और ये आया ऐसे, आया ना। अब कैसे जा रहे हैं क्लॉक ना, तो अब यहाँ पे हमको कैसे जाना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, समझ में आया, तभी तो पॉजिटिव के पास पहुंचेगा। और फिर क्या बनेगा ये बोलो, ये ऐसा, ये आएगा डबल बॉन्ड, ये ऐसा और ये आएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलो सही है। अब ये फिर टूटेगा ऐसा, देखो अपने हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं ऐसे, तो फिर क्या होगा ये तुम्हारा बनेगा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये ऐसा, तो अब यहाँ पे तुमको लग सकता है कहीं दोबारा तो नहीं घूम रहे, लेकिन हम क्या बोले तब तक घूमना है जब तक पॉजिटिव चार्ज वापस ना आ जाए। तो यहाँ पे करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐसा ऐसा, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसा और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। और फिर तुम क्लॉकवाइज जब एक बार आओगे और, तो ये तुम्हारा पुराना वाला स्ट्रक्चर जो है तुमको मिल जाएगा, बोलो मिला। और इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर। कितना आर एस हुआ बोलो, 5 हुआ। हाँ, आर एच देखो कैसे बनेगा, आर एच जो है अब जो कॉमन है वो लिखो, कॉमन आ गए। अब चूंकि डबल बॉन्ड तो सब जगह घुमा है, तो डॉट 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 डॉट, डेल्टा पॉजिटिव भी सब जगह गया है, गया है देख लो सब कार्बन पे, तो ये होगा तुम्हारा आर एच। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे और ये गोल घुमा के पॉजिटिव चार्ज, अंडरस्टूड, क्लियर जला। अब देखो ये देखो ट्रिपल वाला, यहाँ क्या करेंगे इसको उठा करके यहाँ ले जाओ, ये क्या बनेगा तुम्हारा ऐसा बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब उठा यहाँ पे तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेंगे बॉन्ड। अब जो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इस पॉजिटिव के पास अब ये तोड़ के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये तुम्हारा ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव, और फिर करोगे ना तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो आर एच कितने हुए, 3। आर एच क्या बनेंगे, जो कॉमन है वो लिखो, और डबल बॉन्ड सब जगह घुमा है सब जगह, और डेल्टा पॉजिटिव भी सब जगह आया है तो सब जगह। और इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। तो होमवर्क कौन रहा तुम्हारा, एक ये वाला ट्रोपाइलिनियम और एक ये, इतना करके आना, ठीक है। 4:30 तक ये ना, ठीक है, बनाओ तब तक, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, बगल में हम देख के आते हैं। इस कार्बन पे दे रहे हैं, हमेशा बीच से उठा के कार्बन पे दे रहे हैं,
बीच से उठा के कार्बन पे दे रहा है, बीच से उठा के कार्बन पे दे रहा है, बीच से उठा के कार्बन पे दे रहा है। ठीक है, ये वाला जो है ध्यान में रखना है कि ये पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, कैसे हम डिलोकलाइज उसको समझा दिए, ठीक है, कैसे डिलोकलाइज किए हैं, तो यहां से उठाए हैं बीच से मिडिल से और इस कार्बन पे दिए हैं, ये चीज ध्यान में रखना, जहां भी देखो यहां से उठाए मिडिल से कार्बन पे दिए हैं, यहां से उठाए मिडिल से कार्बन पे दिए हैं, ठीक है। तो चलो कल जो है हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, फिर आगे वाला जो है तुम्हारा लोन पेयर वाला जो है, नेगेटिव चार्ज वाला जो है, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। चलो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच। Thank you.